राधे श्याम भावसार। तो आज मैंने एक लहंगा और दुपट्टा दोनों ही ड्राई क्लीनिंग किए हैं। मैंने जो ड्राई क्लीनिंग का काम किया है वो मेरे स्टाइल से किया है, आप उसको वॉशिंग समझ लो, ड्राई क्लीनिंग समझ लो, लेकिन मैं उस वीडियो के दौरान आपको समझा दूंगा कि आपको लहंगा दुपट्टा किस तरह से घर पे भी ड्राई क्लीनिंग करना है। वॉइस ओवर में भी ट्राई कर रहा हूँ, अगर आप समझ सकेंगे अच्छे से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना मेरे मोटिवेशन के लिए। और कल की वीडियो में मैं इसी लहंगे और दुपट्टे को आयरनिंग में किस तरह से करता हूँ वो वीडियो कल की रहेगी। तो दोनों ही वीडियो आपको देखना है, पूरी वीडियो देखने के बाद लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे जो लाल कलर का बटन आएगा तो उसको क्लिक कर देना, बेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसको भी क्लिक कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे वीडियो को शेयर कर देना। ये सारा कुछ हमारे चैनल पे फ्री है, कमेंट बॉक्स फ्री है, वीडियोस देखना फ्री है। अगर आप वॉलंटरी सपोर्ट करना चाहते हो हमें तो ज्वाइन का बटन आएगा नीचे, JOIN ब्लू कलर का, 159 रुपये का हमारा मंथली फीस है, जिससे यूट्यूब थोड़ा लेता है और थोड़ा हमें फॉरवर्ड करता है। तो फ्रेंड्स ये फीस जो है मेंबरशिप की, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप कर सकते हो हमें सपोर्ट तो कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। पूरी वीडियो देखना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये 7 से 8 kg का लहंगा है, बहुत ही हेवी लहंगा है और काफ़ी लेयर है इसमें। स्पार्कल वर्क भी है इसमें। तो हम सोडा ऐश यूज़ कर रहे हैं 100 ग्राम, डिटर्जेंट पाउडर 30 ग्राम और IFB लिक्विड है 15 ml। तो ये एक लहंगा सूट ड्राई क्लीनिंग करने के लिए है और ये जो IFB लिक्विड हम यूज़ कर रहे हैं काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इसका। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। अभी हम यहाँ पे दुपट्टा वॉश कर रहे हैं, उसको सिंपल हम मशीन में 2 मिनट के लिए वॉश कर रहे हैं। अगर हमारे पास मशीन नहीं हो तो भी हम इस तरह के दुपट्टे मैन्युअली वॉश कर सकते हैं। अगर आपके पास हाइड्रो मशीन नहीं हो तो आप डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन के स्पिनर ऑप्शन में स्पिन कर सकते हैं दुपट्टे को। अगर वो भी नहीं हो तो आप उसको सिर्फ वॉश करके सुखा सकते हो। अभी हम लहंगा मशीन में प्रे वॉश करेंगे जिससे वो डर्ट और मैल है जो निकलने में आसानी होगी।
तो ये लहंगा हम पूरी तरीके से मैन्युअली वॉश कर सकते हैं। नहीं अगर हमारे पास किसी भी तरह का मशीन हो, इक्विपमेंट हो, तो भी हम ये लहंगा वॉशिंग कर सकते हैं। हम अब इसका बॉटम वॉश कर रहे हैं, जितने भी लेयर है उसमें ज़्यादा डर्ट होता है, तो हम इसको सॉफ्ट ब्रश से वॉश करेंगे। और इसको MTO पेट्रोल, वाइट पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा 8 kg का अगर लहंगा हो तो हमें उससे 10 लीटर तक पेट्रोल लगेगा या फिर MTO लगेगा, और उसमें से स्मेल जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो स्पार्कल होते हैं MTO की वजह से वो मेल्ट हो जाते हैं, मीन्स पिघलने लगते हैं, उनका कलर जो होता है पिघलने लगते हैं। तो इसको पेट्रोलियम केमिकल भी बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, तो हम इसको मैन्युअली वॉश डिटर्जेंट, वाटर, आयोडीन लिक्विड से ही कर रहे हैं। अभी हम इसको मशीन से नेसेसरी नहीं है ब्रशिंग करने के बाद मशीन में वॉश करना, लेकिन हमारे पास है तो हम यूज़ कर रहे हैं। 2 मिनट हम मशीन में वॉश करेंगे और हाइड्रो में दो तीन मिनट स्पिन करेंगे, जिससे हमारा लहंगा जल्दी से जल्दी ड्राई हो जाए। दो बार हमें साफ पानी में लहंगा वॉश करना है, जिससे डिटर्जेंट जो भी है वो पूरा निकल जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए लहंगा, और फिर उसके बाद में हाइड्रो में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियोस मैं रेगुलरली आपके लिए लाता रहता हूँ, और हम ट्राई करेंगे कि वॉइस ओवर भी करें कि आपको अच्छे से अच्छे समझा पाए कि आपको किस तरह से ये सारी बातें ड्राई क्लीनिंग वगैरह करनी है, साड़ियाँ, ब्लेजर्स, लहंगे, जो भी फैंसी सूट होते हैं वो सारे हम ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस आपको वॉइस ओवर इसी तरह से आगे भी समझाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक